इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो गवाही शेयर करने जा रहा हूँ, जो इस मेयर को आप जरूर जानते होंगे, जिसने अपने जीवन में इतने दुख देखे, परमेश्वर में आने से पहले, और जब परमेश्वर में आई तब भी उसने अपनी लाइफ में इतने दुख उठाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना कि उसकी कल्पनाएँ हमारे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं है। तो परमेश्वर ने अपनी कल्पनाओं को जो उसके जीवन में परमेश्वर ने सोचा हुआ था पूरा किया, वो गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, शेयर जरूर करना आप लोग। वालिद ने मेरा जिस्मानी, दिमागी, जज्बाती और जुनाने इस्तेमाल किया। जहाँ तक मुझे याद है, छोटी उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, जब तक कि मैंने घर नहीं छोड़ा। इस्तेमाल के मायने है गलत इस्तेमाल करना, बदसलूकी करना, बर्बाद करना, नकारा करना, ऐसे तरीके इख्तियार करना कि नुकसान हो, जुल्म करना और ज़ाती करना। हमारे सुनने वाले और यहाँ नाज़िर हजारों लोगों का शायद जिस्मानी, जज्बाती, दिमागी या जुबानी इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन हर किस्म का इस्तेमाल बर्बाद करता है। जब भी हमें गलत तरीके या उस मकसद के अलावा इस्तेमाल किया जाता है जो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ हो, वो बर्बाद करता है। मेरे वालिद ने बहुत घिनौने काम किए थे और आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं कि आज मैं आपको उनमें से कुछ बातें ही बताऊंगी। कुछ बातें तो इतनी कड़ी हैं कि मेरे लिए उन्हें लोगों के सामने बताना नागवार होगा। वो मुझे छिपकर मेरी माँ और उनके जिस्मानी रिश्ते देखने को कहते और बाद में मुझे उन्हें बताना पड़ता कि मुझे कैसा महसूस होता था। अगर मैं किसी कमरे में दाखिल होती जहां उनके अलावा कोई और ना होता, तो वो अपने गुप्त अंग पकड़ लेते या उनको मुजाहिरा करते, जैसे वो देखकर मुझे कुछ मजा आना चाहिए था। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे गलत जगहों पर छूते, इसलिए मुझे ऐसे कमरों में जाने से दहशत होती थी जहां वो होते थे। मुझे याद है जब मैं घर पर होती तो मेरी कोशिश होती कि मैं उनसे दूर रहूं, लेकिन अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए तो वो कहते 5-10 मिनट के बाद आना, जैसे कि मैं उन्हें ढूंढ रही थी। फिर वो मेरे साथ जिना करते, मुझे हाथ लगाते और मुझे उन्हें छूने को कहते। मुझे खौफ रहता कि अगर मेरी वालिदा ने देख लिया तो वो मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। जब उन्हें गाड़ी से कहीं जाना होता वो मुझे कहते कि मैं अपनी वालिदा के सामने उनके साथ जाने की मिन्नतें करूं और वो मना करेंगे, पर मुझे लगातार जिद करनी थी जब तक कि वो मान न ले। ये काफी दिलचस्प था कि वो इस तरह मंसूबा बनाते कि यूं लगता जैसे मैं जाना चाहती हूं, पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता होता था वहां जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे उनकी बात माननी पड़ती। हर जुमे सुबह मेरी वालिदा रखत लेने जाती थी और उनके साथ जाने की मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी, पर वो मुझे न जाने के लिए मिन्नतें करते या बहाना बनाने के लिए कहते, और फिर उनके जाने के बाद जबरदस्ती जिना करते। जब हम तैरने जाते तो मुझे उन्हें खुद को तैरना सिखाने के लिए कहना पड़ता ताकि वो मुझे पानी में ले जा सके, मुझे हाथ लगा सके। मेरे बड़े होते वक्त ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं महफूज महसूस करती। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जब किसी बच्चे पर यह सब गुजरता है तो उसके मन पर क्या होता है। मुझे इल्म है कि आप में से बहुतों को इस तरह का तजुर्बा हुआ होगा। आप में से कुछ ने अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया होगा, आप पर भी यही गुजरी होगी। वो चाहते थे कि मैं अपनी स्कूल की लड़कियों को घर लाऊं ताकि वो उनके साथ भी वही करें जो मेरे साथ करते थे। मैं अपनी सहेलियों को ना लाने के बहाने बनाती, पर उन्होंने हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ कई बार जबरन जिना किया। वो मेरी सहेली थी, मेरे पिता ने मुझे मजबूर किया ताकि मैं उसे वहां ले आऊं जहां वो तन्हा होते हैं, और फिर वो मुझे वहां से हटकर किसी दूसरी जगह इंतजार करने को कहते जब तक वो ये बदसलूकी करते, और मैं बेइंतहा शर्म और बेइज्जती महसूस करती। मुझे अपने ऊपर शर्म आती, अपने वालिदैन से शर्म आती, उनके कामों से शर्म आती, और जब तक मैं बड़ी नहीं हुई मुझे समझ नहीं आया। शर्म की कश्मकश हमारी जिंदगी में जहर भरती है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद पाक के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी पुरानी बेइज्जती के बदले मैं तुम्हें दुगना इनाम दूंगा, मेरा यकीन करो। अगर आपकी सही परवरिश हुई है तो हर दिन आपको अपने वालिदैन को 3 बार बोसा देना चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी माकूल परवरिश हुई हो, थोड़ी सी भी माकूल परवरिश, आमीन, इस्तेसाल इतना शर्मिंदगी भरा होता है कि कोई उसके बारे में बात नहीं करता। किसी को इल्म नहीं होता कि उसकी बात कैसे करें। मेरे वालिद ने जब मेरी दोस्त से इस्तेमाल किया तो हम दोनों जब भी मिलते उसके बाबत बात नहीं करते। अब उसका ख्याल आने पर मैं बहुत सोच और उलझन में पड़ जाती हूँ। मुझे ये सोच के हैरत होती है कि ये कितनी बुरी बात है कि कोई जानता ही नहीं इसके बारे में, कैसे बात की जाए। स्कूल के दौरान मैं सब ठीक होने का दिखावा करती थी, पर मैं हर वक्त अकेलापन और खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करती थी। मैं किसी के साथ घुल मिल नहीं सकती थी। स्कूल के बाद किसी कोर्स में शिरकत करने की मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। मैंने कभी किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लिया, कोई भी खेल देखने नहीं गई, शिरकत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे छुट्टी होने के फौरन बाद घर पहुंचना होता था क्योंकि मेरे वालिद को डर लगता था कि मैं कहीं किसी लड़के के साथ घूम तो नहीं रही। बड़ी हैरत की बात है कि गुनाह का एहसास हमेशा शक पैदा करता है। मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मुझे लड़कों से दोस्ती करने की इजाजत भी नहीं थी। मैं किसी पार्टी में भी नहीं गई। उन्होंने मुझे कभी कोई पार्टी ड्रेस खरीद कर नहीं दी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फिजूल खर्ची है और पैसों की बर्बादी है। इसलिए मुझे अपने साथ पढ़ने वालों को बताना पड़ता कि मैं क्यों वो सब नहीं करती जो कि वो करते हैं। किसी पार्टी या किसी खेल में शिरकत नहीं करती, कोई अंगूठी या रिंग वगैरह नहीं खरीदती। इसलिए मुझे और दिखावा और झूठ बोलना पड़ता, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता था, बहुत 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 बुरा। मुझे याद है एक दफा जब मैं बहुत छोटी थी और हमारे स्कूल में हेलोवीन पार्टी थी,
मेरी वालिदा के पास पैसे नहीं थे ना उन्हें कुछ बनाना आता था, तो उन्होंने मुझे भेड़िया का मुखौटा लाकर दे दिया। और जब बाकी की लड़कियां आई जिनकी वालिदाओं ने उन्हें शहजादी के लिबास पहनाए थे, वो शिफॉन के लिबास में एकदम परियों की तरह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और मैंने बदनुमा मुखौटा पहना था। मुझे याद है मैं स्कूल के बरामदे के कोने में छिप गई क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था अपने उस मुखौटे की वजह से। कितना दिलचस्प है ना कि हमें वो सारी बातें याद रह जाती हैं। मुझे स्कूल के बरामदे में भेड़िए का वो बदनुमा मुखौटा पहन के छिपना बिल्कुल याद है। मुझे इस तरह का एहसास याद है जैसे बाकी लड़कियां परियां थी और मैं एक भेड़िया थी। मेरा एक घिनौना भेस था जो मुझे खाया जा रहा। कहते वो मेरे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बहुत खास थी और उन्हें बहुत अजीज थी, यानी मेरा उस मोहब्बत को कबूल करना एक बहुत ही घिनौनी बात होती। जब मैं 9 या 10 साल की थी, मुझे याद है मेरे वालिद मुझे अपने साथ एक अजीजा के घर ले गए और मुझसे कहा कि वो उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने वाले हैं, और ये कि उस औरत को इसमें बहुत मजा आता है, वो बहुत पसंद करती है ये सब, और ये कुछ भी गलत नहीं है। मुझे वो खुल के सब बताते कि उन्होंने क्या किया था। मुझे बहुत से राज छुपाने पड़ते। वो कहते कि वो जो कर रहे हैं वो सही था और मुझे वो राज रखना है, और अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई नहीं समझेगा। वैसे भी किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना था और मेरी वजह से खानदान में मसले हो सकते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे आज समझ आया कि मुझ पर बोझ डाला गया था कि खानदान को मसले से बचाना है। अपने दर्द की बदौलत और सबसे बड़ी बातों में से एक जिससे मुझे जिंदगी भर निभाना पड़ा है और आज तक मुखालफत करनी पड़ी है, वो है जिम्मेदारी का झूठा एहसास। खुद को उन बातों के लिए जिम्मेदार मानना जो कतई मेरी जिम्मेदारी नहीं होती थी। मैं एक बात बताती हूँ कि मैं अपने मसलों का मुकाबला करूंगी और आपके मसलों का मुकाबला भी करूंगी। मैं बहुत अजीब बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा लेती हूँ, पर अब मैं खुदावन के उस पहलू को देखती हूँ जो कि मेरे लिए है, इसलिए मैं कह सकती हूँ जॉयस ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुझे इससे निपटने की जरूरत नहीं। कितने समझते हैं कि जिम्मेदारी का झूठा एहसास कहने के मेरे क्या मायने हैं? जरा इस बाबत सोचें। शैतान इसलिए कि हम सब छुपा के रखें, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर छुपा रहेगा आप कभी उससे पूरी तरह आजाद नहीं होंगे। जो बातें हमने अपने अंदर छुपा कर रखी हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिससे शर्मसार है या आपके साथ कुछ हुआ है, उस वक्त से आप शर्मिंदा हैं। अगर आपने कभी उसकी बाबत बात नहीं की है तो आप खुद पर एहसान नहीं कर रहे हैं। खुदावंद से खुलकर ईमानदारी से गुफ्तगू करें, अपने साथ साफ और सच्ची गुफ्तगू करें। आपको उसे बाहर लाना है ताकि निजात मिले। मुझे कुछ और बड़े होने की बातें याद है। जब मैं 12 या 13 साल की थी, मेरे वालिद मामूली छेड़छाड़ से जिना विलदब्र तक पहुंच गए। उन्होंने जिस्मानी जोर नहीं डाला बल्कि उन्होंने मुझ पर दबाव डाला खौफ, चालाकी, धमकी और काबू करके और एक झूठ से। और मेरे इस बार गवाही देने की तैयारी से मुझे ये दिलचस्प लगा कि मैंने इतने सालों में कभी जिना विलजब्र का इस्तेमाल नहीं किया था। और जब मैंने पहली दफा ये कहा आज से 3 हफ्ते पहले, इसकी तैयारी करते हुए मुझे काफी सख्त लगा क्योंकि मैं हमेशा मुबशरती इस्तेसाल कहती थी, पर मुझे पूरा यकीन है कि खुदावन की ये ख्वाहिश है क्योंकि हम मुबशरती इस्तेसाल की तरफ ताजियत नहीं रखते। और वो असल में मेरे साथ जिना विलजब्र करते, और वो हर हफ्ते ये करते थे, हफ्ते में एक मरतबा करते जब तक कि मैं 18 साल की ना हुई। मुझे थोड़ा सा हिसाब लगा के बात समझ आई कि मेरे वालिद, जिन पर मुझे एतमाद होना चाहिए, जिन्हें मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी, मेरे 18 साल के होने से पहले उन्होंने मेरे साथ कम से कम 200 मर्तबा जबरदस्ती की थी। मेरे साथ इतना कुछ होने के बावजूद मैं आज आपके सामने इस हाल में कैसे खड़ी हूँ? अगर खुदावंद जिंदा ना होते और वो दुनिया में ना होते, ये कैसे मुमकिन है खुदावंद के बिना? बताएं, शैतान का इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है? उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा यह हो सकता है कि अपना दर्द खुदावंद को देकर उन्हें उसके जरिए अपनी भलाई करने दे, उन्हें अपना दुख देके उन्हें अपना पैगाम बनने दे। क्योंकि जब मैं आपसे कहती हूँ कि दुखी होना क्या होता है तो आपको यकीन होता है, और जब मैं आपसे अपनी गवाही और ये बताती हूँ कि मैं चंगी और सेहतमंद हूँ और ठीक ठाक हूँ और 43 सालों से शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, मेरे 10 नाती पोते हैं, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है और मेरे ख्याल से मैं खुदावंद की बादशाहत के लिए बेशकीमती हूँ, फिर आपको इसे उम्मीद हासिल होती है, आपको एक नई उम्मीद मिलती है कि खुदावंद आपके लिए भी वो सब करेगा जो कि उसने मेरे लिए किया है। आमीन। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप यकीन करें, मैं चाहती हूँ लोग ये जानें कि खुदावंद कितने अच्छे हैं, और ये कि तुम्हारी जद्दोजहद कामयाब होती है, सफर मायने रखता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि सिर्फ मेरे वालिद ने ही नहीं बल्कि और भी 2-3 आदमियों ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की थी। एक आदमी जिनके लिए मैं काम करती थी, फिर मेरे चाचा, मेरे दादा, मतलब कि मेरे खून के रिश्तेदारों ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये सब उस माहौल का असर था जिसमें कि वो पले बड़े या बड़े हुए। कहते हैं कि दुनिया में बहुत से बुरे लोग भरे हैं और इसी की वजह से हम शक करते हैं और
सख्त होते हैं। मुझे याद है कि जब मेरी डेव के साथ शादी हुई थी तो डेव मुझसे अक्सर पूछते थे, तुम ऐसा सलूक क्यों करती हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अब क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर कोई मुझसे कुछ चाहता है, मेरा फायदा उठाना चाहता है, मेरे लिए बहुत दुश्वार रहता था उन्हें फैसले करने देना, क्योंकि मैंने अक्सर अपने खानदान में ऐसा देखा था कि जो भी आदमी है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए फैसला करता है। जब मैं खुदावंद से इस बाबत जद्दोजहद कर रही थी तो मुझे याद है खुदावंद ने एक दिन मेरे दिल में कुछ कहा। मैंने कहा, मर्दों ने मेरे साथ इतना कुछ किया है, उसके बाद मैं डेव पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? भले ही डेव ने कुछ नहीं किया पर भरोसा कैसे करूँ? मुझे याद है खुदावंद ने मेरे दिल में कहा, मैं तुझे डेव या किसी और मर्द पर भरोसा करने को नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा करने को कह रहा हूँ। साल का शिकार हुआ हर इंसान बहाल हो सकता है, पूरा बहाल। बेशक मेरी कुछ ख्वाहिशें थी जो कभी पूरी नहीं हुई, मसलन मैं चाहती थी कि वो हो, कभी नहीं जानती थी कि अच्छा बाप होना क्या होता है। मैं कभी नहीं जान पाई कि वालिद की गोद में बैठना कैसा लगता है बिना इस खौफ के कि वो चीज किसी और में बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि दुखी होने पर मैं अपने बाप को अपने पास बैठा हुआ पाऊं और उन्हें बताऊं कि मुझ पर क्या क्या गुजर रही है, मेरे क्या क्या मसले हैं। मेरे पास वो नहीं था, पर मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। क्योंकि मैं खुदावंद की बारगाह में हूं और मेरा उनसे रिश्ता है, जो बिना शक सबसे बेहतरीन और बेशकीमती चीज है इस पूरी दुनिया में। बाइबल में जबूर 27:10 के मुताबिक, चाहे आपके वालदेन आपको छोड़ दें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें गोद लेकर मैं तुम्हें अपनी औलाद बनाऊंगा। आमीन। उन्होंने मेरी कुछ ज्यादा मार कुटाई नहीं की, मगर वो हमेशा धमकाते थे। जैसे कि मुझे याद है वो मुक्का मेरे चेहरे तक लेकर आते जब भी मैं कुछ गलत काम करती या धमकी की शक्ल में वो ऐसा करते थे। यहाँ तक कि आज भी मुझे ये पसंद नहीं, जब भी कोई अपने हाथ मेरे चेहरे के पास लाता है तब मैं सोचती हूँ कि ओ अब मैंने क्या किया, फिर मैं कहती हूँ ऐसा मत करो। वो पाबंदियां लगाया करते थे, हर काम उनकी मर्जी का हो। मेरा इस्तेसाल करने के अलावा मेरे वालिद बड़े कमजोर थे, हर चीज पर पाबंदी होती, हमें वही पसंद करना होता जो उन्हें पसंद था, हमें तब सोना पड़ता जब वो सोते थे, तब जागना पड़ता जब वो जागते, टीवी पर वही देखना होता जो वो देखते, यहां तक कि उनकी उनकी पसंद का खाना भी खाना पड़ता और हमें उनके गंदे मजाकों पर हंसना पड़ता। ज्यादातर वो गुस्से में रहते और हम डरते कि हम पर गुस्सा क्यों है। ये एक और बात है जिसका सामना मुझे आज भी करना पड़ता है। अगर मैं किसी के पास हूँ ऐसा कोई जिसका और मेरा करीबी रिश्ता है और वो गुस्से में, तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि रुको 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 रुको, ऐसा है कि यही खुदा की खास बात है, आपका खुद पर अख्तियार है। आपको कार्य अमल नहीं करना, आप खुद पुरानी बातों को लेकर कार्य अमल करना होता है, पर अब आप कलाम इलाही पर अमल कर सकते हैं। मैं अपने आप से शर्मिंदा थी जो मेरे साथ किया जा रहा था, और मैं अपने अकेलेपन से भी परेशान थी। अकेलेपन में जवान हुई, हर शनिचर की शाम वो मुझे मैखानों में ले जाते जब मैं जवान हो रही थी, जहां वो नशे में चूर हो जाते और वो मुझसे जबरन अपने साथ जिना करवाते। वहीं उनकी कार की पिछली सीट पर एक दफा किसी पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया, तब मैं बड़ी खुश हुई। उन्होंने उससे कहा कि मैं उनके दूर की रिश्तेदार हूं, फिर मुझसे कहने लगे कि तुम्हें उनके साथ मुबाशरत करनी पड़ेगी तभी वो हमें छोड़ेगा, वरना हम दोनों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बस खुदा का शुक्र है उस वक्त पुलिस वाले को उसके रेडियो पर बुलावा आया और मैं वहां से बच निकली। तो एक बार मैंने अपने अजीजों को यह बात बतानी चाही, मगर उन्होंने कहा उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्योंकि वो इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते। एक दफा मेरी वालिदा अस्पताल में थी, तब मैंने अपने वालिद के नाम एक लंबा खत लिखा यह बताने के लिए कि मुझे इससे कितनी घिन है, और इस एहसास को दूर करने की खातिर मैं दिन में कई बार गुस्ल लेती हूँ। और मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा कि ये सब वो रोक दें। वो रात की ड्यूटी किया करते थे और तब वो आधी रात को घर लौटे और फिर क्या था, दंदनाते हुए सीधे मेरे कमरे में दाखिल हुए और मैं डर के मारे उनसे माफी मांग बैठी और बोली कि मुझे ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में जब आखिरकार मुझसे जितना हो सका मैंने लोगों को बताया, पर कोई पुरसाने हाल नहीं निकला, ना तो पुलिस मदद कर रही थी, ना कोई रिश्तेदार साथ दे रहा था, ना मेरे वालिद मान रहे थे, तब मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि मेरा गुजारा होगा। एक वाकया मुझे याद आता है जो कि मेरे लिए सबसे शर्मनाक था, वो ये, मेरे वालिद मुझे हर इतवार की दोपहर कार चलाने की तालीम देने के बहाने ले जाया करते थे, और उन तमाम अजीबोगरीब जगहों में से जहां वो मुझे ले जाते हवस पूरी करने, जहां वो मेरे साथ जिना करते, वो जगह हुआ करती थी एक कब्रिस्तान, और वहां कार में ही वो मेरे साथ जिना करते। अगर कोई गुजरता तब वो इस तरह बनते जैसे कि हम लोग कब्रों को देखने आए हैं, घिन 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 घिन। रातों में वो ट्रक मैकेनिक का काम करते थे, दिन के वक्त मैं स्कूल में हुआ करती थी और मुझे शनिचर और इतवार के रोज उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन मैं बता दूं, मुझे गर्मी के दिनों से नफरत थी, मैं स्कूल खुलने का इंतजार करती। अक्सर सुबह वो मुझे जगाने आते तो चादर के अंदर से मुझे छूते। दरअसल मेरे वालिद सिर्फ मुझसे ऐसा नहीं करते, उनका वास्ता बहुत सी औरतों के साथ था जिनके साथ उनके नाजायज रिश्ते थे और वो बहुत ही गमजदा थे। मैं खुशी के साथ कह सकती हूँ कि खुदा के फजल से मैंने अपने वालिद को 100% बख्श दिया है। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, पर ऐसा मैं कर पाई। मैंने उनको बख्श दिया, पर मैं पूरी तरह से उन्हें बख्श नहीं पाई। और मुझे याद आया जब खुदा पाक ने कई बरस पहले मुझसे फरमाया कि मैं अपने वालदेन को साउथ ईस्ट मिजूरी से, जहां उनकी रिहाइश थी, यहां हमारे घर पर जो सेंट लुइस में है, लाकर उनकी तीमारदारी उनके मरते दम तक करूं, तब मैंने सोचा कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा। मेरा मतलब, पहले मैंने इसे टाल दिया और फिर मैं बोली कि ये खुदा पाक की तरफ से नहीं है, मोहब्बत करने वाला खुदा पाक मुझे ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे मकाम पर थे जहां मैं साल भर में एक दफा ही जा सकती थी, जैसे छुट्टियों के वक्त थोड़े बहुत पैसे खर्च करती और इस बात को अपने ख्याल से दूर रखती। खुदा ने कहा वो बीमार है, ज़ाइफ है, तो मैंने सोचा उन्होंने मेरे हक में क्या किया। तब पता क्या जवाब आया, तुम सांसें ले रही हो,
वो दोनों जब एक हुए तब मुझे ये जिंदगी मिली, तो मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था। ऐ रब, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, मगर मैंने तब तक काफी तजुर्बा हासिल कर लिया था ये जानने कि खुदा पाक कब कब मुझसे निपटता है। और मैं इससे भी वाकिफ थी कि खुदा पाक हमसे कुछ भी ऐसा नहीं करवाता जिसमें हमारी भलाई ना हो। मैं चाहती हूँ आप याद रखें कि खुदा पाक हमसे वही काम करवाता है जिसमें हमारी भलाई हो। हम मेरे वालदेन को अपने साथ सेंट लुईस में रहने के लिए लाए, तब मैंने एक मकान खरीदा उनके लिए जिसमें हमारी जमा पूंजी लग गई। उनकी कार खटारा हो गई थी इसलिए उनके लिए नई कार खरीदी, उन्हें फर्नीचर की जरूरत थी। हमें हर हफ्ते वहां किसी को उनके लिए गल्ला खरीदने भेजना पड़ता था, वक्त दर वक्त मरम्मत की जरूरत पड़ती जो हमें करवानी पड़ती थी। हमने उनके लिए कपड़े खरीदे। 3 साल बीत गए पर मेरे वालिद के मिजाज में जरा भी तब्दीली नजर नहीं आई। और फिर ऐसा वक्त आया कि वो चर्च जाने का जतन करते। एक शुक्रगुजारी की सुबह मेरी वालिदा ने मुझे फोन पर बताया, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं तुम यहाँ आओ, वो तुमसे बात करेंगे। फिर वो बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, वो बस 3 हफ्तों से रोए जा रहे हैं, तो तुम फौरन आ जाओ। देव और मैं वहां गए, वो मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए पशेमान हूं। आगे उन्होंने कहा, मैं 3 सालों से कुछ कहना चाह रहा था मगर मुझमें वो मर्दांगी नहीं थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने देव को देखा और बोले, जानते हो तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा कत्ल कर देता, मगर तुमने मेरे साथ नेकी के अलावा कुछ नहीं किया। और मेरे वालिद ने उसी रोज मसीह को अपनाया और 10 दिन बाद हमने उनको बपतिस्मा दिया। आमीन। वो 3 साल पहले गुजर गए, मेरा मतलब है वो शख्स बदल गया, मेरा मतलब वो इतने प्यारे बुजुर्ग बन गए कि मैं बिला खौफ उनके गानों को चूम सकती थी। तो ये दोजा के मुंह पर तमाचा था, इस समय खुदा कहां था? हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं नए सिरे से तब पैदा हुई जब मैं 9 साल की थी। मैं दरअसल छुपकर कुछ रिश्तेदारों के साथ चर्च गई जब हम उनसे मिलने साउथ ईस्ट मिजूरी गए थे, और वैसे भी मेरे वालिद शराब पीने जाते थे और चर्च में सनीचर की शाम वाली खिदमत होती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे ये कैसे महसूस हुआ कि मुझे निजात चाहिए। मेरे वालदेन मुझे कभी कभार इतवार के दिन लूदन चर्च भेजा करते थे कुछ पड़ोसियों के साथ जब मैं छोटी थी। मैंने वहां जो सुना वो मुझे खुदा को जगाने के लिए काफी था। मेरे ख्याल में ये मजाकिया खेज है कि जिस दिन मैंने चर्च जाने की ठानी तब मैंने वहां जाकर निजात पाने का मंसूबा बनाया जो कि मेरा मकसद था। तब अपने साथ में अपनी 2 बहनों को ले गई और मैंने कहा, आज हम चर्च जाएंगे, हमें निजात मिलेगी। तो मेरे ख्याल में तब भी मैं थोड़ी सी इंजिल आमोज थी। उस शाम पासबान ने मजबाह पर आने का बुलावा नहीं दिया और मैं बड़ी नाउम्मीद हो गई, पर शायद तब भी मुझमें हिम्मत थी। मैंने अपनी 2 बहनों के हाथ पकड़े और आगे जाकर पासबान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, और उनसे कहा, क्या आप मुझे निजात दिलाएंगे? मुझे याद है उन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी और उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने मजबाह की दावत नहीं दी, उन्होंने हमारे लिए निजात की दुआ की। और मुझे बिला शुभ यकीन हो गया कि उस लम्हे मेरे सारे गुनाह धुल गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे एक नदी मुझ में से बह निकली। ये नहीं कि आपको भी ऐसा लगना है, पर मुझे लगा था। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानती थी, ना तो मैं तालीम याफ्ता थी, ना कोई बताने वाला था। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, अगले दिन जब आंख निचोली खेल में मैंने बेईमानी की, तब मैंने अपना सिर सफेद मकान पर रखा, मेरी दादी के सफेद घर पर, और जब मेरी बहनें छिपने लगी तो मैं आंख झांक करने लगी। तो शैतान ऐसा ही है, उसी वक्त मुझसे बोला, तुमने अपनी निजात खो डाली। और 20 साल की होने तक मैं ये मानती रही। मैंने अपने वालिद के मरने की दुआ की मगर वैसा हुआ नहीं। मैंने दुआ की कि वो मुझे अकेला छोड़ दें, वो भी नहीं हुआ। खुदा ने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं दुआएं करती, उससे मांगा करती, मैं उसकी मासूम बच्ची थी जिसका इस्तेसाल हो रहा था, मगर क्या आप जानते हैं कि मेरे पास उन बातों के जवाब नहीं थे, मगर आज ईमान के जोर पर मैं उन्हें समझने लगी हूं। इसलिए वो कलाम जो मैंने सुनाया कि ईमान के तहत हम समझते हैं कि आलम कैसे बना, इसे मैं अपने जहन के जोर से आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ये बात पता है कि खुदा ने मुझे वहां से नहीं निकाला बल्कि उसने मुझे कुव्वत दी ताकि मैं उसमें से गुजरूं। और सुनिए, मुझे याद है जब मैं दौरे सीने बलूक में अपने बिस्तर पर लेटी थी जो कि मेरा पसंदीदा शौक था, जब मेरे वालिद काम पर होते थे मैं बिस्तर पर लेटी रहती जब हर तरफ खामोशी होती, और अपने बचकाने तरीके से मैं दुआ मांगा करती थी और सोचा करती थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कारनामा करूंगी, एक दिन मैं बहुत बड़ा कारनामा करूंगी। मेरा मानना है कि खुदा पाक हर एक में बड़ा बनने का बीज डालता है। मेरा मानना है कि आप में वो काबिलियत है जिसका तसव्वुर भी आपने नहीं किया होगा, मगर शैतान जो है वो हमें कमतर बनाना चाहता है, वो हमें कमतर बनाना चाहता है, छोटा बनाना चाहता है लोगों के जरिए बदसलूकी करवाकर। मगर आज मैं चाहूंगी आप जान लें, हालांकि मेरा इस्तेसाल हो रहा था, मुझे तज दिया गया था और ऐसा लगने लगा था कि मेरी कोई मदद नहीं करेगा और मुसीबत कभी नहीं जाएगी, तब इस सबके बीच में खुदा का एक मंसूबा था, खुदा का एक मंसूबा था। ये बात मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी तो मुझसे मत कहिए कि समझाओ, मगर बरसों तक मैं कहती आई, बेशक कि काश मेरा इस्तेसाल ना हुआ होता, मगर खुदा ने मुझे दुरुस्त कर दिया। और तकरीबन 3 साल पहले मैंने कहा, बेशक कि काश मेरा इस्तेसाल ना हुआ होता, और खुदा ने मुझे रोका, उसने फरमाया, ऐसा मत कहो। फिर मैंने इस पर गौर किया और मैं सोचने लगी, सुनने में बड़ा अजीब लगता है मगर मैं खुश हूं ऐसा हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उससे कहीं बेहतर इंसान हूं जैसे मैं कभी ना बनती। मैं नहीं जानती कि इसे मैं किन लफ्जों में बयान करूं, मगर मुझे पता है कि खुदा पाक ने मुझे रिहा किया है और उसने वो लिया जो कि शैतान ने मुझे दिया, लेकिन खुदा ने उसे मेरी भलाई में तब्दील कर दिया और आज मैं एक बेहतर इंसान बनकर आपके सामने खड़ी हूं। पर ऐसा नहीं होता
अगर मेरे साथ वो बुरा हादसा ना हुआ होता और आप भी ऐसे हो सकते हैं। आज मैं ज्यादा कुवतमंद हूँ, खुदा को बेहतर जानने लगी हूँ और मैं लोगों का दर्द समझती हूँ। और मेरा मानना है, मैं मानती हूँ कि इसने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं आपके दर्द और जरूरत में काम आ सकूं और पुरजोर तरीके से बताऊं कि खुदा जिंदा है, वो आपसे मोहब्बत रखता है और उसने आपके लिए एक मंसूबा बना के रखा है। तो शुभ मत कीजिए, कभी भी शुभ मत कीजिए, कभी कभी शुभ मत कीजिए। क्या आप शिफा पाएंगे? आप उसको देख रहे हैं जिसने पाई है। आमीन। सबूत आपके सामने खड़ा है, आप यकीनन शिफा पा सकते हैं। ऐसी कोई गहरी खाई नहीं जहां पर से हाथ बढ़ाकर वो आपको बाहर ना निकाले। वो आपके कदम चट्टान पर जमाएगा, आपको एक हैरत अंगेज जिंदगी बख्शेगा, आपको राख के बदले सहरा देगा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलान बख्शेगा। वो आपको सदाकत का दरख्त बना देगा जो खुदा बन कर लगाया हुआ होगा ताकि उसका जलाल जाहिर हो, और वो आपकी पुरानी परेशानियों का अजर दुर्गनी बरकतों से देगा। चलिए खुदा की तारीफ कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने, इस गवाही ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और परमेश्वर के प्रेम को आप समझ पाए होंगे। भले आपके जीवन में समस्याएं, दुख है, बीमारी है, कुछ भी, कैसी भी परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं प्रभु में आने के बाद में, लेकिन अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और उसके साथ वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोज देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।